देख सकते हैं बाबा महेंद्रनाथ धाम से ये लोग पूजा करके और सारा नवयुवक टीम है पूजा करके ये लोग लौटे हुए हैं और हमें मिल गए। सारे जो नवयुवक हैं वो सारे आर्मी की तैयारी करते हैं और जिस प्रकार से वर्तमान में स्थिति है सभी को पता है देश में कौन सी स्थिति चल रही है और जिस तरह से अग्निवीर योजना एवं तमाम चीजें आई हुई है उसको लेकर के इनसे बात करेंगे कि बाबा के दरबार में आखिर में आकर के क्या ये लोग मांग करते हैं, क्या चीज मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बाबा से अपील की आप लोग यहाँ पे आए तो बाबा से हम लोग मन्नत मांगे कि जल्दी हम लोगों का मतलब नौकरी हो जाए तो नौकरी हो जाए। आप सभी पूरे भारत वर्ष में जिस तरह से नवयुवकों ने आर्मी का विरोध किया आप लोग का तो मुझे एज मतलब उभर हो चुका है जिस प्रकार से वो योजना है हो चुका है तो अभी कौन सी तैयारी कर रहे हैं जो उभर एसएससी में एसएससी अच्छा एसएससी जीडी बिहार पुलिस का भी हो सकता है बिहार पुलिस को हम लोग नहीं देखते हैं अच्छा देखते हैं कि बिहार पुलिस का जो हाल है वो सब कुछ जानता है। अच्छा और किस मतलब यहाँ पे जब आप लोग आए सुबह से जैसा कि लग रहा है एकदम देख सकते हैं आप सारे नवयुवक ही हैं दौड़ने वाले लड़के हैं और सब लोग कहाँ के हैं अच्छा सिसवन से मेहदार की दूरी 7 किलोमीटर दौड़ के आप लोग आए हैं इधर से पैदल जा रहे हैं कि दौड़ के जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं यानी कि सुबह हो चुका है इसलिए पैदल जा रहे हैं तो सही बात है देख सकते हैं आप नवयुवक हैं पूरी नवयुवक टीम है जो कि सिसवन से आई हुई है 7 किलोमीटर दौड़ करके और नवयुवक कहीं ना कहीं खून पसीना बहाते हैं किस लिए ताकि उनको आर्मी में एवं तमाम विभागों में जाने का मौका मिले लेकिन नहीं मिल पाता है जिस प्रकार से योजनाएं आती हैं तमाम चीजें आती है नहीं मिल पाता है। और क्या अपील करिएगा बाबा के दरबार में आप लोग यहाँ पे सुरक्षा का क्या इंतजाम था सुरक्षा का बहुत बड़ा इंतजाम है बाबा बस इस बार 4 साल हो या 17 साल हो एक बार वर्दी पहना दे और बॉर्डर पर खड़ा कर दे बस यही मनोकामना है कि एक बार बस सेवा का मौका दे बाबा और 4 साल हो या 17 साल हो या 1 साल हो बस आर्मी की वर्दी पहनना है तो पहनना एक बार पहनना है तो 4 साल के बाद क्या करिएगा आप लोग 4 साल के बाद 25% में आ जाएंगे उससे क्या मतलब एकदम आएंगे 25% जो ड्रीम है उसको तो पूरा हो जाए यानी वर्दी शरीर पे चढ़ जाए ये सपना है सभी लोगों का यही है यही सपना है। अच्छा एक चीज बात जो आप लोग यहाँ पे आए पूजा किए पूजा के रूप में मतलब अगर कोई भी आता है जो दर्शक है तमाम लोग जो क्षेत्र के देख रहे हैं दूर दराज से यहाँ पे लोग आते हैं अन्य प्रदेश से भी लोग आते हैं क्या लगता है कि मतलब वो लोग आए तो यहाँ पे व्यवस्थाएं बढ़िया है अच्छी प्रशासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है बहुत बढ़िया व्यवस्था है। थोड़ा जो दूर से आते हैं उनके लिए सुविधा कर दिया जाए यहाँ पे कि मतलब और थोड़ा बिहार पुलिस के जवान जो है वहाँ पे और रहने चाहिए क्योंकि जो अंदर जल ढारने के लिए महिलाएं जो है वो गेट पे खड़ा रहती है और जेंट्स इतने ना है कि जय शिव अपने मन का जो है वो निकाल कर उन लोगों को साइड में खड़ा कर दे रहे हैं लोग और अंदर चल रहे हैं लेकिन महिला और जो लड़कियां हैं वो साइड गेट पे। अच्छा यहाँ पे जैसा कि मैंने वो देखा भी लाइन अप की व्यवस्था नहीं है लाइनअप के मतलब एक तरफ जेंट्स एक तरफ लेडीज ऐसी व्यवस्था है नहीं है ना व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि नहीं नवयुवक हैं आप लोग इसलिए होनी चाहिए हम लोग के मन में जज्बा लगा कि अगर हम लोग भी पहले तो आर्मी में लग जाएगा नहीं लगता है तो कोई भी जॉब तो जॉब करना है सरकारी अगर हम लोग वहाँ पे बिहार पुलिस में होते लोग एक बगल लेडीज एक बगल जेंट्स और उसके बाद आगे अंदर जाने के बाद जो घंटा घर से होता है वहाँ पे 50-50 करके लाइन करके सबको जल चढ़ाने का मौका देते लोग अगर हम लोग वहाँ पे हो जाए बाबा एक बार महिमा तो दे अंदर लगा बाबा की खैर महिमा है काफी दूर दराज से लोग आते हैं लेकिन जिस प्रकार से सही बात है नवयुवक हैं ये लोग और देश में नवयुवकों का काफी योगदान है आज के समय में हर विभाग में हर चीज में नवयुवक आगे आते हैं लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था है थोड़ी पुलिस की संख्या यहाँ पे कम है वो देखी गई और खासतौर से लेडीज की संख्या कम है लेडीज पुलिस की जो कि होनी चाहिए मैं तो 10 ही देखा बहुत 10 ही लोगों को देखा लेडीज पुलिस होनी चाहिए लेकिन लेडीज पुलिस की संख्या यहाँ पे कम है। क्या अपील करिएगा हमारे चैनल के माध्यम से जो भी अपने क्षेत्र के लोग हैं तमाम लोग क्या अपील करिएगा मैं सिवान जिला के जिला अधिकारी से बस यही कहना चाहता हूँ कि ये सिवान जिला का मतलब सबसे बढ़िया पावन जाना माना और महेंद्र का ये जो मंदिर है बाबा महेंद्रनाथ यहाँ पे थोड़ा हर सावन में थोड़ा यहाँ पे देखा जाए और यहाँ पे व्यवस्था की मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अति आवश्यक है यहाँ पे मेरे को लगता है कि सुबह ही सुनने में क्या है कि 4 आदमी की 5 आदमी का मतलब कुछ ही है वहीं पे फंस गए लोग कि क्या हुआ हमको पता नहीं चला कि सुबह में कुछ हुआ है मतलब वहाँ पे फंस गए लोग पता नहीं है मेरे को यानी साफ तौर पे ग्रामीणों के कहा जाए नौकरियों का जो लोग पूजा करके आ रहे हैं उन लोग का साफ तौर पे कहना है डीएम साहब से कि यहाँ पे सुरक्षा की थोड़ी और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करनी चाहिए बोला बोला बाबा महेंद्रनाथ की जय श्री राम।
मूर्ति चढ़ा दो ए बाबा।